गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इफेक्ट करेंगे। तो माना कि पृथ्वी है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, जिस पर कोई बिंदु पी स्थित है। इसके जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कोई बिंदु पी स्थित है, इस पर इसके घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी के रोटेशन का, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो माना कि जो बिंदु पी है, माना बिंदु पी है इस पर कण है वो बी वेग से गति कर रहा है, वह ओ से पी की दूरी कितनी है आर है, यह हमने माना है कि ओ से पी की दूरी कितनी है आर है, तथा जो गुरुत्वीय बल है उसके कारण गुरुत्वीय त्वरण को गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल है इसके कारण, तो गुरुत्वीय त्वरण को हमने जी से डिनोट किया है। एंड जो पृथ्वी पर कोई भी प्रेक्षक खड़ा है उसके कारण जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको हमने जी लैम्डा से डिनोट किया है। ये दोनों हमने इस तरह से डिनोट किया है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स कार्य करेगा इस पर, उसके कारण जो गुरुत्वीय त्वरण है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसका मान क्या होगा, जी लैम्डा बराबर जी माइनस ओमेगा वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये हम पहले पढ़ चुके थे, कोई भी प्रेक्षक होता है उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू ये होती है। अब माना कि कण है जो पी बिंदु पर स्थिर है अगर है, तो बी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। माना कि कण है जो बिंदु पी पर अगर स्थिर है, कोई मतलब गति नहीं कर रहा, तो बी बराबर जीरो होगा। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, जी लैम्डा बराबर जी माइनस, ये जीरो हो जाएगा, तो केवल ये टर्म बचेगी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसको समीकरण नंबर हम दो कह सकते हैं। तो यहाँ जो ये भूमध्य, ये पृथ्वी घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण को हम दिखा रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ चित्र से हम क्या देख सकते हैं कि ओमेगा वेक्टर बराबर केवल क्या है, ओमेगा जे वेक्टर। इसको समीकरण नंबर 3 से कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है वो केवल जे वेक्टर यानी वाई एक्सिस के अनुसार ही चेंज हो रही है एक्स पर, और जो उदाकृत दिशा है जेड एक्स उसके अनुसार इसकी कोई चेंज नहीं रही है। तथा हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या है, माइनस जी कॉस लैम्डा आई के माइनस जी साइन लैम्डा जे के, क्योंकि जी है उसका मान यहाँ पर, इसका एक्स घटक कॉस लैम्डा है और वाई घटक साइन लैम्डा है, तो इसके अनुसार ये होगा। इसमें से हम जी को कॉमन ले सकते हैं, माइनस जी को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास, कॉस लैम्डा आई के प्लस साइन लैम्डा जे के, ये हमारे पास बच गया। इसको हम समीकरण नंबर 4 कह सकते हैं, समीकरण 4 प्राप्त हो गया। तथा जो स्थिति सदिश है, तथा स्थिति सदिश यानी जो स्थिति सदिश है या आर वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पी के निर्देशांक क्या है, जी कॉस लैम्डा और जी साइन लैम्डा, क्या है इसके निर्देशांक, जी कॉस लैम्डा और जी साइन लैम्डा है। तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा हमारे पास, जी कॉस लैम्डा आई के प्लस जी वाई की जगह जी साइन लैम्डा जे के। इसको समीकरण नंबर हम 5 कह सकते हैं, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये रखी। अब हमारे पास समीकरण 4 और 5 से इस समीकरण 3 में वैल्यू रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, तो क्या आता है उस चीज को देखते हैं, हमारे पास क्या प्राप्त होगा उसको लिखेंगे हम। यहाँ लिखते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखेंगे हम, सॉरी 3 की जगह हम किसमें रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे, किसमें रखेंगे 2 में, और 3 4 और 5 का उपयोग करेंगे, 3 का करेंगे इसका, 3 4 और 5 से 2 में वैल्यू रखेंगे, हमारे पास क्या आ गया, जी लैम्डा बराबर जी की वैल्यू रखेंगे पहले, तो जी की हमने ये वाली वैल्यू है माइनस जी कोष्ठक में कॉस लैम्डा आई के प्लस साइन लैम्डा
जे कैप, ये तो जी की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा वेक्टर, ओमेगा की वेक्टर हमने पहले निकाला था, ओमेगा वेक्टर बराबर क्या है, ओमेगा जे कैप क्रॉस कोष्टक में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो ओमेगा वेक्टर यहाँ लिख रहे हम ओमेगा वेक्टर की जगह ओमेगा जे वेक्टर, जे कैप क्रॉस आर वेक्टर की जगह आर कॉस लैम्डा आई कैप प्लस आर कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप, ये इसकी वैल्यू रहेगी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब हम सारणिक विधि से इनको हल करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आती है उसको देखेंगे हम। इसको ऐसा कैसे लिख देंगे हम, जी लैम्डा बराबर माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप प्लस साइन लैम्डा जे कैप माइनस ओमेगा जे वेक्टर क्रॉस, इसको हल करेंगे ओमेगा जे वेक्टर क्रॉस, इसको सारणिक विधि से हल करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस ओमेगा आएगा और आर माइनस ओमेगा आर, और जे को इससे हल करेंगे तो हमारे पास के वाली स्थिति आएगी, जैसे इसको सारणिक विधि से हल करेंगे आई जे और के और ओमेगा की जगह केवल इसमें जीरो रहेगा, ये ओमेगा है और ये जीरो रहेगा और इसके सब में कॉस लैम्डा और ये साइन लैम्डा और ये जीरो है, तो केवल के की स्थिति के की टाइम याद होगी, ये वाला जीरो और ये माइनस ओमेगा क्या आएगा, माइनस ओमेगा आर कॉस लैम्डा और क्या आएगा के कैप, के कैप वैल्यू आएगी। अब इसको इससे गुणा सदिश करेंगे तो जे को के से करते हैं गुणा, जे क्रॉस के तो क्या था आई कैप, तो यहाँ पर जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, तो इसके साथ आई लग जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो जी लैम्डा बराबर माइनस जी कॉस लैम्डा आई के प्लस साइन लैम्डा जे के, और ये क्या हो जाएगी प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जे क्रॉस के की जगह क्या आ जाएगा आई, तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा और आई के, ये हमारे पास आ गया समीकरण, ठीक है इस समीकरण को आ गया। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, देखो आई और आई इसके साथ भी है तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ गया जी लैम्डा बराबर, जी लैम्डा बराबर क्या प्राप्त होएगा हमको देखते हैं, जी लैम्डा देखो माइनस इसमें से और इसमें से आई कॉमन आएगा तो इस कोष्टक में हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, माइनस जी कॉस लैम्डा इसमें से कॉमन ही आ गया और ये इसमें से आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस लैम्डा, ये तो आई आई कैप में कॉमन हो गया और दूसरा है माइनस जी साइन लैम्डा और जे कैप, जी माइनस जी इससे गुणा है तो माइनस जी साइन लैम्डा के कैप, इसको समीकरण नंबर हम अगला कह सकते हैं समीकरण नंबर 6। अब इसका हम क्या करेंगे, परिमाण लेने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का परिमाण लेने पर, इसका परिमाण लेंगे तो इसको मोड में लिखेंगे, मोड्स ऑफ जी लैम्डा बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्स है पूरे टर्म, ये वाई है तो एक्स आई प्लस वाई आई होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर माइनस जी कॉस लैम्डा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा का स्क्वायर प्लस दूसरा जी साइन लैम्डा का और स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको खोल के हम लिखेंगे, पहले इसको खोलेंगे हम, हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का है ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो हम जैसे ए का स्क्वायर करते हैं तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा फोर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस टू ए बी, तो टू ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर आर और जी भी रहेगा और कॉस लैम्डा का स्क्वायर प्लस अगली बार इसको करेंगे तो जी स्क्वायर और साइन स्क्वायर लैम्डा, ये टर्म आ गया हमारे पास बराबर। हम आगे देखते हैं कि इसमें जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और इसमें से इसमें जी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह बन आ जाएगा इस टर्म से, और इस टर्म से जी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे
तो क्या आ गया हमारे पास जी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या बचेगा माइनस, पहले इसको लिख देते हैं माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर जी कॉस स्क्वायर लैम्डा, प्लस इसको आगे लिखेंगे ओमेगा फोर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब क्या करते हैं ओमेगा स्क्वायर की जो ज़्यादा ओमेगा स्क्वायर के जो टर्म्स हैं उनको हम नगण्य मान लेंगे, क्या कर लेंगे नगण्य मानने पर यहाँ लेंगे हम ओमेगा स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होती है तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फोर वाली वैल्यू है, ओमेगा फोर वाली वैल्यू है, इसको क्या कर लेंगे नगण्य मान लेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त हो गया मॉड्स ऑफ जी लैम्डा बराबर कोष्टक में अंडर रूट में इसमें से क्या कर लेंगे हम जी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, इसको तो नेगलेक्ट मान लिया जीरो मान लिया इसको, तो क्या बच गया हमारे पास या जी स्क्वायर को कॉमन लिया इसमें तो वन माइनस इसकी जगह वन माइनस टू, और जी स्क्वायर को कॉमन लिया तो नीचे एक जी बच जाएगा, क्या बच जाएगा नीचे जी बच जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर आर जी कॉस स्क्वायर लैम्डा बटे जी आ जाएगा, उसको नेगलेक्ट मान लिया कॉस तक के बाहर करेंगे तो ये जी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर जी कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक जी से एक जी कट जाता है ये वाला जी, जी स्क्वायर रहेगा तो इसको जी को हट जाएगा यहाँ से नीचे जी रह जाएगा, इसको जी और इसकी पावर क्या हो जाएगी एक बटा दो अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। बाइनोमियल प्रमेय से बाइनोमियल प्रमेय क्या होती है बाइनोमियल प्रमेय से निकालेंगे इसको तुम्हारे पास क्या वैल्यू आती है इसकी वैल्यू निकालेंगे। बाइनोमियल प्रमेय से क्या होगा इसकी वैल्यू जी लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा जी, इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होएगा जी माइनस वन माइनस एक बटा दो, तो एक बटा दो से ये कट जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, उसे टू कट जाएगा हमारे पास कुल मिला के आ गया जी लैम्डा बराबर क्या प्राप्त होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू प्राप्त होती है तो यही ध्रुवों पर वैल्यू प्राप्त होएगी इसकी, यानी गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव है वो इस तरह से प्राप्त होता है जी लैम्डा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ध्रुव होते हैं ध्रुव पर लैम्डा बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ जी पी बराबर जी होएगा, जी पी बराबर जी होगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, एंड जो भूमध्य रेखा होती है भूमध्य रेखा पर लैम्डा बराबर क्या होगा जीरो डिग्री होता है, तो यहाँ पर जी सी बराबर क्या होएगा इसका मान जीरो होएगा तो इसका मान वन होता है, तो क्या आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो आज हमने यही अध्ययन किया है गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव को पढ़ा है, ठीक।